हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए आज हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोग भी सोचेंगे कि हम लोग डेली कहीं ना कहीं निकले रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं कि हमें जाना ही पड़ता है। तो ये देखिए मेरे साथ है मुन्ना। मुन्ना इधर पीछे की तरफ बैठा हुआ है और जानू चला गए अपनी नानी घर। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं अभी, और मुन्ना बस 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 और दुआ के पास पहुंच चुके हैं। करिए कौन आया, कौन आया। ये रही मेरी सिस्टर, ये बना रही है पकोड़े गर्मा गर्म किचन में। तो ये देखिए इसका ड्रेस कितना अच्छा, इसने ड्रेस पहना हुआ है। ये है मेरे फुफड़ जी, फुफा जी, ये इकलौते फुफा जी है हमारे, हैं हमारी हर खुशी में गमी में हमारे साथ है। कभी इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हम भी इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इधर है मेरी मम्मी, ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी मम्मी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मायके में, मैं आ गई हूँ। आज है मेरे भाई की मैरिज एनिवर्सरी, एक साल हो गया उसकी शादी को डोली की। तो मैं अभी मम्मी अभी आगे से ठीक हो गई है ना, उनके साथ बहुत कमजोर थी, अभी सुंदर बन गई मम्मी, बट ठीक हो गई, सेहत अभी ठीक हो गई इनकी। आइए आप सबको बाकी उनके साथ भी मिलवाती हूँ। बहन जी भी इधर पहुँच चुकी हैं, अंजलि मैडम जी। ये देखिए इधर देवर और भाभी का कुछ गुप्तगू चल रही है। ये तो ये देखो गाइस, अंजलि बैलून फुला रही है। अंजलि कितने बैलून फुला दिए गाइस, ये देखो देखो मेरे लड़के ने आज कितना बैलून। खाना खाया तूने? नहीं, तूने खाया? क्या खाया? कल बता नहीं क्या खाया। कल आज क्या खाया? आज है मेरे छोटे भाई की मैरिज एनिवर्सरी और आज पार्टी की तैयारी वगैरह चल रही है। पता लग रहा जैसी, तो हम लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं और आप सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। कन्हैया के बर्थडे की फंक्शन अभी हुआ था ना, तो उसकी एल्बम्स भी आ गई है। तो ये देखिए हमारे पिक्स। मेरे मोबाइल से फोन कुछ नहीं है, देखो मोबाइल तक। फोन आया है, क्या नाम है आपका बताओ। देखिए गाइस, ये है मेरे भैया भाभी और ये उनका एनिवर्सरी केक, ये स्पेशल जानू की तरफ से उनके लिए। ये जानू अपनी मामू मामी के लिए खुद केक बनवा के लाया है, अपने दिल से बनवा के लाया है, उनकी पिक्स लगा के, और सभी बहुत हैप्पी हो गए केक देख के। उसके मामू और मामी बहुत खुश है केक देख के। तो ये देखिए गाइस, मेरे भैया भाभी की मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। तो ये कैंडल जल पड़ी और ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं दोनों बैठे हुए। और ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे हमने, बस मेरे भाभी के मायके से आए थे 3 लोग और बाकी हम थे, दोनों सिस्टरें, एक हमारे फूफा जी आए थे। क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुआ हमारे घर में, हमारे पूरे जितने भी रिश्तेदार थे सभी आए हुए थे। अभी हमारे घर में फंक्शन हुआ था ना, देखा ही था कन्हैया का। तो ये अभी केक कटिंग कर रहे हैं दोनों, ये देखिए। और साइड में मेरे डैडी बैठे हुए हैं, डैडी मेरे बहुत स्माइल कर रहे हैं, डैडी मेरे हमेशा खुश रहते हैं। ये देखिए एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, और केक दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। देखिए एक दूसरे को उन्होंने केक खिला दिया। तो ये देखिए मेरे भैया मेरे भाभी के लिए गिफ्ट में रिंग लेके आए हैं, और इसका डिज़ाइन इतना अच्छा था, बहुत अच्छा डिज़ाइन था, मैंने भी उसी टाइम देखा, ऐसे फिश टाइप कुछ बना हुआ था, तो बहुत अच्छा था। और मेरी भाभी को मेरे भाई ने खुद
पहनाई रिंग, ये देखिए बहुत अच्छी। और कन्हैयू हमारा बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत बोल रहा था हैप्पी बर्थडे। कन्हैयू भी, मुन्ना भी हैप्पी बर्थडे बोल रहा है कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे मत बोलो, एनिवर्सरी है मैरिज एनिवर्सरी। लेकिन बच्चे ना, बच्चे ये देखिए इन्होंने एक जयमाला दोनों ने पहन ली। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, क्यूट लग रहे हैं कपल। तो ये मेरे मम्मी डैडी जी हैं, डैडी और मम्मी। तो अभी मेरी मम्मी इन दोनों को शगुन देगी, ये देखो केक खिला रहे हैं मम्मी डैडी जी को। तो अभी देखना थोड़ी देर में कन्हैया क्या करेगा। हाँ तो अभी दे दिए मम्मी डैडी शगुन दोनों को, डैडी ने भी कुछ दिया शगुन के तौर पे। तो ये देखो कन्हैया को देखो आप, कन्हैया को देखो, कन्हैया की हरकत देखो। कन्हैया मीठा कुछ नहीं खाता है, अपनी चाची को केक खिला था तो बोला पूरा ही खा लो। उसको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक रहता है, कोई भी फ़ोटो खिंचवाता तो बीच में जरूर घुस जाता है कि मेरी फ़ोटो भी खींचो। तो ये मेरे बड़ा भाई और बड़ी भाभी और कन्हैयू, कन्हैया की मम्मी है। तो बारी बारी सभी आ रहे थे, उनको गिफ्ट दे रहे थे। तो ये मेरी भाभी जी की मम्मी है और उनके जीजू हैं समीर, और बीच में उनके बड़े भाई की बेटी है पीहू। तो ये तीन लोग आए थे, ये देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे गिफ्ट दिए, उन्हें बाद में देखे भी थे गिफ्ट। तो ये देखिए अभी उनको खिलाया जा रहा केक। तो ये भी केक वेक उनको खिला दिया, उनकी मम्मी उनके ऊपर से पैसे वार रही है। तो ये मेरे फूफा जी और अंजलि साथ में आई थी, फूफा जी के मेरे जो फूफा जी हैं, मेरे उनके बेटे के साथ ही मेरी मौसी की शादी हुई है, छोटे बेटे के साथ में सेकंड नंबर वाले। तो और हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, अंजलि को तो हमने ज़रूर ही लेके आना होता है, क्योंकि हम लोग दो बहनें नहीं हैं, हम लोग तीन बहनें हैं। अंजलि को हम ये नहीं सोचते कि मेरी मौसी की लड़की है, हमें इसको अपनी हमें रियल सिस्टर ही समझते हैं, और हम तीनों का बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये भी हमारी भाभी जी है, ये मन्ना की मम्मी है। हम ये देखो मन्ना कैसे पीछे छुप रही है, इसका बड़ी शर्मारी है। तो इन्होंने शगुन वगैरह दिया इनको। तो ये मन्ना जो है अन्नू की बहुत बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बहन अन्नू की उसकी बेस्ट फ्रेंड है मन्ना, जबकि अन्नू उसकी बूजी लगती है, लेकिन ये इन दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी है अन्नू की और मन्ना की। कन्हैया कुछ कन्हैया कोई भी चीज़ नहीं लेता था, हम लोग बोलते हैं मन्ना को दे देंगे तो कन्हैया फिर फटाफट ले लेता है। ये मेरी सिस्टर है अन्नू, इसने भी कुछ गिफ्ट दिया था। तो सभी देख रहे हैं, वीडियो वगैरह शूट हो रही है अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से फंक्शन चल रहा है, शांति से, इतना वो भी नहीं है। तो ये आ गई मैं और मेरी बहन। हस्बैंड तो यूट्यूब में नहीं आते हैं, उनको पसंद नहीं है इसमें आना, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि जब उनका मन होगा वो दिया जाएंगे। और ये मेरे बच्चे दोनों जानू और मनु, और मुन्ने ने अपनी मामी को फ़ोन दिया गिफ्ट में, ये देखो। बच्चे अपने पसंद का गिफ्ट लेके आए थे उनके लिए कि यही देना है, मैंने कहा कोई बात नहीं जो मन है वो दे लो। तो अभी फूफा जी और डैडी जी फिर आगे मेरे खाने के लिए मन्ना पकौड़े खाई जा रही है, खाई जा रही है। मन्ना कितनी प्लेट, कौन कितनी प्लेट ली, पहली प्लेट है दूसरी? पहली अभी टेस्टी है। चल ठीक है, ये कौन है? अभी हम करने जा रहे हैं डिनर, कुछ लोगों ने कर लिया और अभी मैं और ये बेड पे ही शुरू। तो ये देखिए दुल्हन अभी जा रही है कपड़े चेंज करने के लिए, ड्रेस चेंज करने के लिए, नाइट ड्रेस पहनने के लिए।
और हम अभी डिनर की तैयारी में हैं। मुझे लगी ये बहुत जोरों से यहाँ पर आके शॉल ओढ़ लिया है, मुझे बोलो ठंडी लग रही है और खाने की खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि और ज़्यादा भूख लग रही है। बहुत ज़्यादा मायके आके कुछ ज़्यादा भूख लगती है कि अपने मायके वालों के हाथ का खाना कभी कभार मिलता खाने के लिए, और बहुत ही हमारे घर में खाना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही खाने की। ये आप लोग भी जिस जिसने मेरे साथ हमारे घर में खाना खाना है बैठी हुई है मेरी सिस्टर मेरी खातरदारी में, ये अभी खाना सर्व करेगी। अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, फंक्शन हमारा बहुत अच्छे से हो गया। ये देखो इधर मेरा भाई जा रहा है चला सामान ढूंढने के लिए, तो अभी कन्हैया ने आज बहुत ज्यादा मस्ती की, बहुत ज्यादा मस्ती की, इतनी मस्ती कर रहा था कि पूछिए मत। अभी सो गया है, सुबह नहीं उठेगा तो उसकी मम्मी बोल रही है पानी से पानी डाल के उठाएंगे, लेकिन बिल्कुल पूरा दिन उसने रेस्ट नहीं किया हमारे चक्कर में कि हम लोग आ रहे थे। तो अभी मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैं भी अभी सोने के लिए बड़ी ही बेचैन हूँ। तो वीडियो अपनी करते हैं अभी यहीं पर ही खत्म। तो आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी तो आप सभी मेरे भाई भाभी को अपनी विशेष दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए उनको, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी थी, आज एक साल हो गया मेरे भाई की शादी को। पिछले साल हम लोग इस टाइम बारात में थे, उनके घर बारात लेके पहुंच गए थे, तो आज उनकी मम्मी आई थी, उनके जीजू आए थे, तो उनकी भाभी नहीं आई थी, उनकी भाभी तो बैठी नहीं अभी। तो बहुत अच्छे से फंक्शन हो, ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फैमिली इकट्ठी हो गई तो बस वही बड़ा फंक्शन हो गया। तो चलो अभी मैं करती हूँ आप सबको गुड नाइट, ओके बाय बाय फ्रेंड्स।